तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए हलका असेंबली नागार्जुना सागर की आवाम को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। आदिवासी महिलाओं को चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कुक्कलु कुत्ते बोल के बुलाया था। हम नागार्जुन सागर ट्राइबल्स को अपील करते, अब याद रखिए कि आप लोगों को महिलाओं को इस चीफ मिनिस्टर ने कुत्ता बोल के बुलाया था। मिनिस्टर मल्लारेड्डी के करप्शन पे क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे? चार टीआरएस एमएलए बैंगलोर में ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है, उनकी असेंबली मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। तुंगतुर्ति में बड़ी पैमाने में सैंड का लूट हो रही है, उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मंथनी एरिया में एक जिला परिषद चेयरमैन एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ देखते हुए हम नागार्जुन सागर वोटर को अपील कर रहे हैं, अगर टीआरएस को पार्टी कैडर्स को और लीडर्स को अपनी सेंसेस में आना है, नागार्जुन सागर में हराइए। दूसरी चीज़, अगर केसीआर जीतेगा, टीआरएस जीतेगा, तो जो अभी श्रीसेलम में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट इलीगली कंस्ट्रक्ट कर रही है, पोतरेड्डी पाडू का एक्सपेंशन हो रहा है और संगमेश्वर लिफ्ट बना रहे, उससे नागार्जुन सागर डैम ड्राई हो जाएगा और नागार्जुन सागर आयाकट एक डेजर्ट हो जाएगा।